आपको मदद मिलेगा ये या एक ही हाँ हाँ पार्डन तो इधर में आप दिल्ली इधर में आपका कोई जान भाई जिसको क्योंकि इधर में हॉस्पिटल में रखने चाहता केपीसी में हम लोग कभी कभी लाता ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा हॉस्पिटल नियर बाय है वो तो है ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है जहाँ ट्रीटमेंट इसका हो सकता है तो ये तो आप ही को देखना पड़ेगा मैं वो तो नहीं वो तो हम लोग करता आप आज बोलते तो आप दिल्ली रहने वाले हैं तो कैसे करेगा लेकिन कोई डॉक्टर जान पहचान हो तो केपीसी में दिलाता वो ट्रीटमेंट जान पहचान हो उसको क्या अवेयरनेस भी मिलता और ट्रीटमेंट भी मिलता दोनों ही मिल जाता क्योंकि हम लोग तो रेगुलर में उधर जाना ना तो चलते ही रहता ना उसी लिए आप दिल्ली में नहीं आ रहे तो कैसे होगा आपसे ठीक है थैंक यू सो मच सर वो ओझा वाली जो बात हुई तो उसमें तो आपने बताया कि एक एंजल कैसे अप्रोच कर सकता है बट यहाँ पे हमारे कुछ ट्राइबल फ्रेंड्स आए हुए हैं अभी ये जाएंगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड पीयर से बात करेंगे तो ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं आप थोड़ा अगर इनको एड्रेस करके कुछ बता दें कि इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं अभी जाके जो पीयर से बात करेंगे रिलेटिव से फ्रेंड्स फैमिली से बात करेंगे एक तो ये है कि जो इनको जानकारी मिली वो बाकी लोगों को बता सकते हैं दैट इज़ वन थिंग जो भी इनके साथ में फैमिली में पड़ोस में जितना भी बता सकते हैं दूसरा ये कि अगर इनके यहाँ कुछ सिस्टम में कमी है जैसे हॉस्पिटल नहीं है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है या उसमें दवाई नहीं है सो ये ट्राइबल लीडर्स मिल के जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो भी SDO या SDM वगैरह जो भी होते हैं उनके पास में जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि यहाँ पर TB पेशेंट्स हैं पर दवाई नहीं मिलती है सो दे कैन अप्रोच दी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ दूसरा काम ये कर सकते हैं एडवोकेसी के लिए ये दो ही मुझे तो लगता है कि ये लोग कर सकते हैं अपने एटलीस्ट अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाकी तो फिर जो होगा सो होगा ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत आपका थैंक यू